गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ चली हैं सर? पहले हरोवा चलते हैं, वहाँ मुझे सीएनजी स्टेशन का इंस्पेक्शन करना है, फिर तुम मुझे रविदास घाट ड्रॉप कर देना। क्या हुआ, ये हमें रोक क्यों रहे हैं? लागत है सर हम बतियाते बतियाते रेड लाइट डाक दिए। कौनो बात नहीं, आप बैठे हम देखते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, चालान काट देन हमारे। हम तो पैसा भी दिए पर उलेबे नहीं किए। हमेशा ऐसा होत नहीं है, सभी पैसा लेके छोड़ देती पर हमारे चालान काट देन। अरे भैया, गलती तो तुम्हारी थी ना। ठीक है पर पैसा तो ले सकत रहे ना, हर जगह ही ऐसा होता है, पैसा दियो काम करवाए लो। इसका मतलब तुम चाहते हो कि अगर एक इंसान या कुछ इंसान भ्रष्ट है तो सबको वैसा ही करना चाहिए। वो पुलिस वाला अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। वो क्या अकेले के ईमानदार होवे से का हो जाए सर, कवनो काम बिना पैसा लिए थोड़े ही होत है। इलियो सर, आपके हर हुआ सीएनजी स्टेशन आएगा वह, आप अपन काम करवा लें, हम सीएनजी भरवा के आवत है। ठीक है, मेरा काम खत्म होने तक तुम सीएनजी भरवा कर स्टेशन के बाहर मिलना। ओके अब रविदास घाट चलते हैं। अच्छा हाँ, रास्ते में कहीं रुक कर चाय कचौरी हो जाए। हाँ जैसा कहीं सर, चलत है। सर आप ये लेना तो भूल ही गए। अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, तुम गेल के सीएनजी स्टेशन से सीएनजी अक्सर भरवाते होगे, क्या कभी ऐसा हुआ कि सीएनजी कम भरी हो? ऐसा तो कभो ना भाई सर, यही नाते तो हम हमेशा गेल के स्टेशन से ही सीएनजी भरवावत है। ऐसा तुम्हें पता है क्यों है? क्योंकि गेल में हर कार्य को सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से किया जाता है। गेल ने कंपनी में ऐसे प्रोसेस बनाए हैं जिससे उनसे जुड़े सभी लोगों और ग्राहकों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारी कंपनी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हर मुमकिन प्रयास करती है और अपने कर्मचारियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही हमारे सीएमडी भी हम सबको नैतिकता से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम चाय के लिए गाड़ी आगे रोको, मैं तुम्हें उनका प्रेरणाजनक मैसेज दिखाता हूँ। जी सर, आगे रोकत है। लो चाय भी आ गई। ये देखो हमारे सीएमडी सर का मैसेज। गेल सदा ही एक जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्य करता आया है और देश की तरक्की में अपना बहुमूल्य योगदान देता आ रहा है। गेल ने एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, प्रोबिटी और इनोवेशन को सदा ही बढ़ावा दिया है और इसे अपने कॉरपोरेट कल्चर का अभिन्न अंग बनाया है। हमारा प्रयास रहता है कि हमारे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स रोबस्ट रहें, जिससे हमारी कार्य प्रणालियाँ पारदर्शी हों तथा कॉरपोरेट और व्यक्तिगत स्तर पर कंपनी में एथिकल बिहेवियर को बढ़ावा दिया जाए। गेल ने अत्यंत मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल कर अपनी साख बनाई है। इस ख्याति को हमें न केवल बनाए रखना है अपितु इसे सुदृढ़ करना है। साथियों, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम भ्रष्टाचार का दृढ़ता से विरोध करें और नैतिक मूल्यों को अपनाकर अपना कार्य करें। ऐसा करके हम न केवल गेल की समृद्धि में योगदान देंगे बल्कि राष्ट्र को उन्नत और विकासशील बनाएंगे। इसके बारे में कुछ और बताइए सर। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि हमारी कंपनी में बिजनेस के तकरीबन सारे प्रोसेस ऑनलाइन एंड डिजिटल हैं, जिससे हमारी कंपनी में पारदर्शिता बनी रहती है। प्रोक्योरमेंट हमारी कंपनी ने ई टेंडरिंग द्वारा कर दी है, जिससे एक तरफ टेंडर में कोई धांधली नहीं हो सकती, साथ ही साथ कई सारे नए कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मौका मिलता है टेंडर में हिस्सा लेने का, जिससे करप्शन तो रुकता ही है, साथ ही साथ देश की तरक्की भी होती है। और यही नहीं, अब तो गेल ने एक स्पर्श पोर्टल भी लॉन्च किया है वेंडर्स की ऑनलाइन पेमेंट के लिए। स्पर्श पोर्टल का हुआ है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। स्पर्श पोर्टल पर गेल के जो भी वेंडर्स हैं, जैसे तुम्हारी कंपनी भी, काम पूरा होने पर अपना बिल अपलोड कर सकते हैं। इन सभी बिल्स का भुगतान तय समय में सुनिश्चित किया जाता है। मान लो किसी बिल का भुगतान समय से नहीं होता तो उससे जुड़े गेल के एम्प्लॉय की जवाबदेही तय की जाती है। इससे वेंडर्स को टाइम से पेमेंट हो जाती है और उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती। सर बतिया तो ठीक है पर आपो तो अब ही सीएनजी स्टेशन पर लिफाफा लेते रहें। अरे भैया, वो तो निरीक्षण रिपोर्ट है जो मैं टेबल पर रखकर भूल आया था। ये बात तो ठीक है सर,
लेकिन इतनी बड़की कंपनी में सब जने ईमानदार हो इस तो नहीं हो सकत है ना। कुछ जने तो इस हुई हैं जो उन गलत तरीका से काम करत हुई हैं। इसके लिए हमारी कंपनी में विजिलेंस विभाग है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की निगरानी में भ्रष्टाचार की गतिविधियों को देखता है। हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी CVO प्रिवेंटिव विजिलेंस के अंतर्गत सिस्टम को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। गेल का विजिलेंस विभाग कंपनी में ऐसे गतिविधियों और उनसे जुड़े कर्मचारियों पर नज़र रखता है जहां भ्रष्टाचार की संभावना हो, और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की जाती है। साथ ही एक सकारात्मक अप्रोच रखते हुए विजिलेंस विभाग कंपनी की कार्यप्रणालियों की समीक्षा भी करता है, और यदि इनमें कोई कमी पाई जाती हो तो उनमें सुधार भी करता है ताकि कोई इनका दुरुपयोग न कर सके। इसे हम प्रिवेंटिव विजिलेंस कहते हैं। इसके अतिरिक्त विजिलेंस विभाग जागरूकता फैलाने पर भी ध्यान देता है ताकि कार्य करते समय कर्मचारी सतर्क रहें और जाने अनजाने में गलती ना करें। मैं समस्त गेल परिवार से अनुरोध करता हूं कि सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है, और इसके बारे में उनका ये कहना है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। बात तो एकदम ठीक है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम में हम सभी का साथ मिलकर काम करे का हुई आज से हम ठान लिए हैं, ना तो भ्रष्टाचार का साथ दे बल्कि ओकरे खिलाफ आवाज उठाओ। सतर्क हैं हम, सतर्क हैं हम, चल रहे हैं हम सही रास्ते पर, और जड़ से कर रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म। समाज में फैले सतर्कता की किरण, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यत भावो तत भवति। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।